नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन, मुझे सस्पेंड कर दीजिए, मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना। आज शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक छात्रा के एडमिशन को लेकर एक प्रोफेसर भूख हड़ताल पर बैठ गई। उनका कहना यह था कि प्रिंसिपल द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद SDM मुकेश कुमार आए, उन्होंने उन प्रोफेसर को समझाइश देने अपने ऑफिस बुलाया। इसके बाद उन प्रोफेसर ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इधर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना यह है कि पूरी गलती प्रोफेसर की है। उधर हम छात्राओं से मिले तो वह भी प्रिंसिपल के खिलाफ ही बोलती रहीं। इसके बाद हम SDM मुकेश कुमार से मिले। SDM ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। खड़े हैं शासकीय कन्या महाविद्यालय के सामने। इस महाविद्यालय का विवाद का पुराना नाता रहा है। करीबन 6 माह पूर्व एक विवाद और उठा था। यहाँ 93 बच्चियाँ छात्राएं फेल हो गई थी। उस मामले ने बहुत तूल पकड़ा था और इस मामले को भी हमारे चैनल ने काफ़ी प्रमुखता से प्रसारित किया था। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया था और अब सारी बच्चियों के पेपर हुए और वो पास हो गई। लेकिन आज मामला बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ एक बच्ची खड़ी हुई है, छात्रा से कहना है कि उसका यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे को लगा, ये मुद्दा इतना गरमाया कि एक मैडम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गई। इसके बाद SDM को आना पड़ा। वहाँ प्रिंसिपल का कहना यह है कि उन मैडम की गलती है, मैडम का कहना है कि प्रिंसिपल की गलती है, छात्रा का कहना है कि प्रिंसिपल की गलती है। कुल मिला के मामला उलझा हुआ है। उधर हमने SDM से बात की तो SDM का कहना था कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, इस मामले की जांच होने के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। मैं राकेश जैन राय। काम भी नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ कहूँ या आप कह लो पहले, मैं उसके बाद अल्लाह में कहूँ। मैंने इसके जवाब में लिखा, लेने से मना कर दिया। बोले मैंने कलेक्टर महोदय दिलवा दे, वो उनके पास पूरा अधिकार है। मुझे सस्पेंड कर दीजिए। मैं आपको कहती हूँ मुझे सस्पेंड, ये अधिकार हमें नहीं है कि हम किसी को मुझे पानी तो नहीं पीऊंगी सर। मैंने बहुत बेइज्जती से कर ली है। मैं पानी नहीं पीऊंगी सर, पानी मुझे इस कॉलेज से मुक्ति दे दीजिए। आप तो मुझे इस कॉलेज से मुक्ति दे दें। नहीं सर, ये कल आपने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया है, क्या मामला है? सर, मेरा एडमिशन ना होने के कारण से दिया है मैंने, जो कि कॉलेज की परेशानी है। कॉलेज वाले नहीं कर रहे हैं, ये सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं टाइम पे। अगर ये टाइम पे काम करें तो कोई भी परेशानी ना आए। आज जैसे कि मेरी पूरी साल बर्बाद हो रही है, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉलेज वक्त स्टाफ की वजह से नहीं हो रहा है, मैडम की वजह से नहीं हो रहा है। कौन सी मैडम की वजह से नहीं हो रहा है? प्राचार्य मैम की वजह से। ये अपना काम टाइम पे नहीं करती है सर। तो श्रीमती सोलंकी मैडम क्यों भूख हड़ताल बैठ गई? सर, मैं कलेक्टर जी के यहाँ आवेदन दे के आई हूँ। उस वजह से इन लोगों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन लोगों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं, उस वजह से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप किसको दोषी मान रहे हैं? सर, मैं तो प्रिंसिपल मैम को दोषी मानूंगी, क्योंकि मैं तो ये है, अगर ये टाइम से काम करें तो सब कुछ होगा। आपके यहाँ की प्रोफेसर श्रीमती उषा सोलंकी अभी भूख हड़ताल पे बैठी, कारण कुछ है बताइए। सर, उनको पोर्टल पर सभी पेपर अपडेट करने थे और उन्होंने एक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो स्वीति पाठ्यक्रम का था उसको अपडेट नहीं किया है, तो उसी के लिए मैंने उनसे जानकारी मांगी। उनके सहयोग के लिए महाविद्यालय के श्री राजू गुंजुरकर सहायक ग्रेड 3 उनके साथ कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम कर रहे थे। मैंने दोनों से स्पष्टीकरण मांगा कि आप बताइए कि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन को क्यों अपडेट नहीं किया है, क्योंकि छात्राओं के उसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं और छात्राएं जो हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ रही थी वो रायसेन कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ना चाहती हैं, तो उसी के लिए मैंने मांगा हुआ था। तो राजीव इंद्रकर ने मुझे स्पष्ट लिख के दिया हुआ है कि मैंने प्रवेश प्रभारी के मार्गदर्शन में जो है वो पूरा कार्य किया था, वो डॉक्टर उषा सोलंकी हैं और उन्होंने जो जो बोला वो मैंने अपडेट किया है, तो उसी के लिए मैंने उनको लेटर दिया हुआ था। अब उसी से नाराज होकर के वो भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। इससे पहले भी क्या कोई विवाद हुआ है आपका उनसे? नहीं सर, इस तरह से तो कोई विवाद नहीं हुआ। वो क्या चाहती हैं? वो ये चाहती है कि वो कोई गलती भी कर दें या जो भी कर दें तो प्रिंसिपल अपने ऊपर लेता रहे और वो सबसे बची रहे और वो अपने आप को ये सिद्ध करती रहे कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ और मुझे इनाम मिलता रहे सर। कल एक छात्रा ने कलेक्टर को शिकायत की है कि उसका यहाँ एडमिशन या परीक्षा फीस या कुछ जो भी है मामला, वो क्या मामला है? सर, उसी छात्रा का कंप्यूटर एप्लीकेशन था और उसको चतुर्थ वर्ष में प्रवेश मिलना था, जो कि सोलंकी मैडम के द्वारा अपडेशन नहीं कराया गया और इसी कारण से उसका प्रवेश नहीं हो पा रहा है। और वही छात्रा जो है कलेक्टर साहब के पास रही और उसका ये कहना है कि मैं गर्ल्स कॉलेज रायसेन में ही प्रवेश लूंगी, दूसरी जगह नहीं लूंगी, जबकि उच्च शिक्षा का आदेश है। हमने उसको समझाया भी है कि किसी अन्य महाविद्यालय में भी वो प्रवेश ले सकती है। तो आपको क्या लगता है, श्रीमती सोलंकी मैडम अपना गलती छुपाने के लिए बैठी हैं? जी हाँ, वो अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरह से सबको बताना चाहती हैं, जिससे कि उनकी गलती पर पर्दा पड़ता है।
शासकीय कन्या महाविद्यालय रायसेन अंतर्गत एक महिला प्रोफेसर हैं श्रीमती उषा सोलंकी मैडम, उनके द्वारा ये प्रिंसिपल जो हैं उनके विषय में ये बतलाया गया कि उन्हें अनावश्यक एक स्ववित्तीय पाठ्यक्रम जो बीए ऑनर्स के लिए चलता है उसके विषय में उन्हें स्पष्टीकरण अनावश्यक रूप से दिया है। इसके संबंध में जो हमारी मैडम महिला प्रोफेसर थी उनके द्वारा मांग की गई थी कि इस विषय के संबंध में जांच उचित रूप से कराई जाए और जो अनावश्यक उनको परेशान किया जा रहा है वो उस तरह से ना किया जाए। तो इस मामले में हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है और उनको समझाइश दे करके एक जो नियमानुसार कार्रवाई होती है उसके विषय में हमने उन्हें आश्वस्त किया है और निश्चित रूप से जब उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाएगा तो हम उसके नियमानुकूल उसमें कार्रवाई करेंगे। भाई एक छात्रा का मामला है कि उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा कॉलेज में, वो क्या मामला है सर? ये स्ववित्तीय जो पाठ्यक्रम का विषय है जिसमें जो जनभागीदारी का जो वित्त होता है उसके माध्यम से 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के उपरांत पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। इसमें 2 छात्राएं हैं जिसमें एक छात्रा गृह विज्ञान और दूसरी कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की प्रोफाइल कॉलेज के अपडेट नहीं हो सकी। इसके विषय में महिला प्रोफेसर श्रीमती उषा सोलंकी जी को स्पष्टीकरण कॉलेज की प्रोफेसर श्रीमती विनोद सिंगर द्वारा दिया गया है जिसके संबंध में उनके द्वारा ये बात कही गई है।